का चेहरा देख के, उसकी बॉडी देख के, उसके पेट का आकार देख के, ऐसे ही बहुत सारे सिम्टम्स को नोटिस करके बता देती हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से लिंग परीक्षण के बारे में। जी हाँ, आज हम फिर से बात करेंगे कि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण कैसे करें। देखिए, वैसे तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं, क्योंकि मैं उन चीज़ों पे बात करती हूँ, उन सिम्टम्स पे, उन लक्षणों पे बात करती हूँ जो कि हमारे समाज में काफ़ी टाइम से प्रचलित है। आपने देखा होगा कि घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो दादी नानी माँ होती हैं, वो लोग प्रेग्नेंट औरत का चेहरा देख के, उसकी बॉडी देख के, उसके पेट का आकार देख के, ऐसे ही बहुत सारे सिम्टम्स को नोटिस करके बता देती हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। तो आज हम ऐसे ही कुछ खास लक्षणों की बात करेंगे जो कि तीसरे से चौथा महीना लगते लगते ना आपकी बॉडी में वो चेंजेस, वो सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं और आप काफ़ी हद तक अनुमान लगाने में सफल हो सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं एक बात और आपसे क्लियर कर देती हूँ कि हमारे भारत में लिंग परीक्षण करना कानूनन अपराध है, और अगर आप ऐसा करने के लिए किसी डॉक्टर को या हॉस्पिटल को फोर्स करते हैं तो फिर आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। तो फिर फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपकी स्किन में बदलाव। जी हाँ, त्वचा के बदलाव को भी देख के आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। जो स्किन में बदलाव आता है ना, ये बिल्कुल शुरुआती लक्षणों में से एक होता है और इसको काफ़ी सटीक माना जाता है। आपने देखा होगा जो दाई माँ होती थी ना, सिर्फ आपके चेहरे की रौनक रंगत यानी कि आपकी स्किन को देख के बता देती थी कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भवती महिला की जो स्किन का टेक्सचर होता है वो ड्राई हो जाता है, अगर आपकी जो त्वचा है वो रूखी सूखी सी हो जाती है, तो कहते हैं कि ये गर्भ में लड़का होने की तरफ संकेत देता है। वहीं अगर आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, थोड़ा तैली हो जाती है, तो कहते हैं कि आपके गर्भ में लड़की होने की तरफ ये इशारा करती है। इसी वजह से ऐसा भी माना जाता है कि देखिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है ना, ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो आपके फेस पे एक्ने हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं। तो कहते हैं कि गर्भ में अगर बेटी होती है ना तो आपके फेस पे एक्ने, पिंपल आने शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर लड़का है तो आपका फेस जो है वो रूखा सूखा सा, थोड़ा मुरझाया हुआ सा दिखता है। तो ये एक सटीक लक्षण होता है जानने का कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है सिर दर्द। जी हाँ, जिन औरतों को ना सिर दर्द की समस्या रहती है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद अगर आपको लगातार सिर दर्द की समस्या रहती है, आपके सिर में हमेशा दर्द रहता है, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी तेज होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कभी कभार अगर आपके सिर में दर्द होता है तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हर 10 दिन में या उसकी फ्रिक्वेंसी पहले से तेज है, अगर प्रेगनेंसी से पहले आपके सिर में दर्द नहीं होता था लेकिन कंसीव करने के बाद आपको लगातार सिर में दर्द रहता है, ठीक होता है, फिर हो जाता है, तो कहते हैं कि ये गर्भ में लड़का होने की तरफ करता है। ऐसे ही प्रेग्नेंट औरत के ना सोने के तरीके को भी देख के हम पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। कहते हैं कि अगर प्रेग्नेंट यानी गर्भवती महिला अगर दाहिने करवट लेके सोती है तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ संकेत करता है। वहीं अगर वो बाएँ करवट ज़्यादा अच्छा फील करती है, बाएँ करवट सोने से उसकी बॉडी ज़्यादा रिलैक्स होती है और वो इसको बाएँ करवट सोना उसको ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने का संकेत देता है। इस तरीके से आप सिर दर्द का पैटर्न और सोने के तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है पैरों का आकार और पैरों का ठंडा रहना। जी हाँ, पहले के लोगों की अगर हम बात माने ना तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पैर गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा ठंडे रहते हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा, अगर आपकी पूरी बॉडी के टेम्परेचर को कंपेयर करें तो आपके पैर अगर ज़्यादा ठंडे रहते हैं तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने का
का सिम्टम है। वहीं अगर आपके पैरों के टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं है या फिर गर्म ही रहते हैं, मतलब नॉर्मली आपकी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर ही उसके पैर के टेम्परेचर रहते हैं, तो कहते हैं कि लड़की होने का सिम्टम होता है। तो इस तरीके से आप पैर के टेम्परेचर को भी नाप के पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। साथ ही में बात करते हैं कि पैर के आकार को देख के हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भावस्था के दौरान देखिए पूरी बॉडी में स्वेलिंग आती है, मतलब आपके आपका वेट के साथ साथ फैट बढ़ा होता है, प्लस आपके हाथ पैर थोड़े सूज जाते हैं, थोड़े भारी भारी से लगते हैं, तो उस चीज़ को अगर हटा के नॉर्मल में बात करती हूँ कंपेरिजन की लड़का और लड़की में, तो कहते हैं कि अगर पैरों का आकार, मतलब जो आपके पैरों के या फिर आप फुटवेयर की साइज की अगर हम बात करें, आपके पैरों का आकार बढ़ा है तो आपके फुटवेयर का साइज बढ़ेगा। तो अगर आपके पैरों के आकार में नॉर्मल से ज़्यादा ही बदलाव दिख रहा है, एक आर अगर एक या दो साइज अप जा रहा है तो लड़की होने के सिम्टम होते हैं। लेकिन अगर एक दो साइज से ज़्यादा आपके पैरों के आकार में बदलाव आप महसूस करते हैं, ज़्यादा ही आपके पैर जो हैं वो बड़े हो रहे हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने का संकेत है। वहीं अगर पैरों के आकार में कोई बदलाव नहीं होता है तो कहते हैं ये एक लड़की होने का संकेत है। तो इस तरीके से अपने पैरों के ठंडा है गर्म है या पैरों के बदले हुए आकार को देख के भी आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके बालों की बनावट। जी हाँ, अगर आप अपने बालों को अच्छे से नोटिस करते हैं ना प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। ऐसा माना जाता है ना कि जैसे ही आप कंसीव करते हैं, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो आपके बालों में, आपकी स्किन में, आपके पूरे शरीर में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा होता है, कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा होता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और कुछ लड़का और लड़की लिंग में जो भेद होता है उसकी वजह से भी बहुत सारे लक्षण आपकी बॉडी में दिखते हैं, बहुत सारे बदलाव आपको महसूस होते हैं। उनमें से ही एक बहुत ही सटीक लक्षण होता है, या आप कह सकते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बदलाव होता है वो होता है आपके बालों को लेके, आपके हेयर ग्रोथ को लेके, आपके हेयर की क्वालिटी को लेके। देखिए ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान में किसी भी औरत के बाल जो हैं उसका ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, मतलब घने हो रहे हैं, शाइनी हो रहे हैं, अगर पहले रूखे सूखे थे लेकिन अब अच्छे हो रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी हो रही है, शाइन ज़्यादा कर रहे हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ संकेत करता है। इसके पीछे एक लॉजिक भी दिया जाता है कि जो गर्भवती महिला होती है ना वो अपना ख्याल रखती है, ठीक है, अपने डाइट का, उठने बैठने सोने हर चीज़ का ख्याल रखती है, खुद का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू करती है। और अगर आप डाइट में अच्छी चीज़ें लेते हैं, आप न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रहे हैं, तो वो चीज़ जो भी आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में दिखाएगा कि आपके फेस का ग्लो बढ़ेगा, आपके हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, तो आपके खाने का टोटल जो इफेक्ट होता है आपकी पूरी बॉडी पे आपको दिखेगा। तो अगर आपके हेयर ग्रोथ में आपको चेंजेस दिख रहा है, प्रेगनेंसी से पहले वाले जो आपके बाल थे वो अब ज़्यादा अच्छे शाइनी हो गए हैं, तो कहते हैं कि ये गर्भ में लड़का होने का संकेत देता है। वहीं अगर आपका हेयर फॉल बढ़ गया है, आपके बाल थोड़े रूखे से, सूखे से, बेजान से दिखने लगे हैं, तो कहते हैं ये एक लड़की होने का संकेत होता है। तो इस तरीके से आप अपने हेयर ग्रोथ, हेयर के पैटर्न को देख के, आप अपने बालों को देख के पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। ऐसे ही बहुत सारे लक्षण हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं, जैसे हम अपने, जैसे आपके गर्भ में पल रहा है बच्चे का हार्ट बीट अगर 140 से ज़्यादा है तो कहते हैं कि लड़की, वहीं 140 BPM से कम है तो लड़का होने का संकेत होता है। साथ ही में हमारे चलने, उठने, बैठने, बहुत सारे तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर डाल रखी है, आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं। साथ ही मैंने वीडियो बना रखी है कि अल्ट्रासाउंड में कैसे आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो एक बार जरूर आप मेरा चैनल विजिट करिए, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, ये वाला वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।